तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को अपने मेन स्क्रीन में शो कराएंगे। और हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन की 10th पार्ट है। इस वीडियो में हम जो है अपने प्रोडक्ट को शो कराएंगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच पाए। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना प्रोडक्ट फ्रेगमेंट और प्रोडक्ट लेआउट फ्रेगमेंट खोल के रखा हुआ हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे, मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर एक लीनियर लेआउट लगा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और लीनियर लेआउट लगाता हूँ जिसे मैस पेरेंट कर देंगे और इसकी हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे। इसकी ओरिएंटेशन जो है उसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। इसे पैडिंग दे देंगे 10 dp। अभी इसके नीचे एक कार्ड व्यू लगाएंगे जिसे कर देंगे मैस पेरेंट और उसकी हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे। मैं जाऊंगा गूगल फॉन्ट्स में। और इसमें आइकन सेलेक्ट करूंगा और सर्च का आइकन हम यहाँ से एंड्रॉइड के लिए डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं सिंपली इस आइकन को कॉपी करता हूँ। और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ड्रॉबल पेस्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट करता हूँ। ये हो गया। अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ। अल्फा को 0.5 करते हैं और उसको टेक्स्ट स्टाइल जो है वो बोल्ड कर देते हैं। मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं 10 dp। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ। सर्च लेआउट, ये इसकी आईडी हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ चलते हैं अपने कॉटलिन फाइल के अंदर और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। यहाँ से बाइंडिंग डॉट ट्रू जो है वो रिटर्न कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अभी इसके अंदर हम एक और काम करेंगे।
ये हमारा लेआउट यहाँ पे खत्म हो रहा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्वैप रेफरेंस लेआउट लगाऊंगा जिसकी डिपेंडेंसी मैं गूगल से पहले ले आता हूँ। ये जो डिपेंडेंसी का लिंक है ये मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मैं डिपेंडेंसी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जो हैं इसका लेटेस्ट वर्जन अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अभी मैं अपने से प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ और प्रोजेक्ट को सिंक करता हूँ। अभी जो है हमारी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी। मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने एक लीनियर लेआउट लगाया हुआ है, इसकी ओरिएंटेशन को मैं सेट कर देता हूँ वर्टिकल। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है एक और लीनियर, एक काम करते हैं, यहाँ स्वैप रेफरेंस लेआउट सीधे लगाते हैं, इसको बोलते हैं ये मैथ पेरेंट, और इसको भी मैथ पेरेंट कर देते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं। SR लेआउट, और इसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू को लगाते हैं, मैस पेरेंट कर देते हैं, मैस पेरेंट कर देते हैं, आईडी दे देते हैं नेम ब्लर व्यू। ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा XML का काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलते हैं अपने अडाप्टर क्लास बनाने के लिए। पर अडाप्टर क्लास मैंने बनाने से पहले मैं एक लेआउट फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट लेआउट, उसे कार्ड व्यू में चेंज करेंगे और ओके करेंगे। इसके अंदर हम जो वाइड इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, और इससे जो है हम कर देते हैं रैप कंटेंट। अभी इसके अंदर पैडिंग दे देंगे 10 dp, सॉरी पैडिंग तो यहाँ काम करेगी नहीं कार्ड जो में, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसे मार्जिन देते हैं 10 dp, कार्ड कॉर्नर रेडियस देते हैं ये 5 dp, एक लीनियर लेआउट लगाते हैं इसके अंदर मैथ पेरेंट, और मैथ पेरेंट ग्रैप कंटेंट कर देते हैं। ओके, इसकी ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल रख देंगे, इससे पैडिंग दे देंगे 10 dp। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक इमेज व्यू लगाते हैं जो इसकी साइज हम रख देते हैं रैप कंटेंट, और हाइट इसकी सेट कर देते हैं 180 dp। ओके, ये हो गया। इसे भी हम कुछ 100 dp कर देते हैं, 100 dp बहुत कम हो गया, 130 कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं 201 करते हैं इसको, और इसे जो है 160 कर देते हैं। ओके, ये हो गया, ये इमेज व्यू हो गया। यहाँ पे आईडी दे देंगे इसको प्रोडक्ट इमेज, देन इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू देते हैं जो होगा रैप कंटेंट, और इसको रैप कंटेंट टेक्स्ट स्टाइल इसकी बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं फोन। ओके, अभी इसको भी एक आईडी देते हैं प्रोडक्ट नेम, एक और टेक्स्ट भी लगाते हैं
रैप कंटेंट और रैप कंटेंट टेक्स्ट अल्फा 0.5 करते हैं, टेक्स्ट साइज 13 SP करते हैं और इसको आईडी देते हैं प्रोडक्ट टाइप। यहाँ टेक्स्ट टू लगाते हैं, वेब कंटेंट टेक्स्ट 100 रुपीज। इसको भी टेक्स्ट साइज देते हैं 13 SP। आईडी दे देते हैं प्रोडक्ट प्राइस। अभी हम चलते हैं अपने अडाप्टर पैकेज के अंदर, यहाँ एक नया अडाप्टर बनाते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट अडाप्टर ओके। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को हम लेंगे जैसे कि वॉल कॉन्टेक्स्ट, इसे प्राइवेट कर लेते हैं कॉमा प्राइवेट वॉल प्रोडक्ट लिस्ट एरे अडाप्टर प्रोडक्ट ओके। ये एक्सटेंड करेगा रिसाइकल व्यू डॉट अडाप्टर। अभी हम एक और क्लास बनाएंगे इसके अंदर, क्लास प्रोडक्ट व्यू होल्डर। ये एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। यहाँ पे ऑल प्लस एंटर करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट व्यू होल्डर को पास कर देंगे। यहाँ कंस्ट्रक्टर को चेंज करेंगे, ऑल प्लस एंटर करके इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट कर देंगे। सबसे पहले तो वॉल इमेज प्रोडक्ट इमेज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, उसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे इसको टाइप दे देते हैं इमेज व्यू आर डॉट आई डी डॉट आर डॉट आई डी डॉट आर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं ऑल प्लस एंटर करके इंपोर्ट करता हूँ और प्रोडक्ट इमेज ये जो है इसको यहाँ से एक बार कॉपी ही कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वॉल प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग सॉरी टेक्स्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट प्रोडक्ट नेम वॉल प्रोडक्ट टाइप इज ऑल्सो टेक्स्ट व्यू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट प्रोडक्ट टाइप। इसको हमने आईडी क्या दिया था, प्रोडक्ट टाइप शो कॉपी करते हैं यहाँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वॉल प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू टेक्स्ट व्यू आइटम व्यू फाइन व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट
प्रोडक्ट प्राइस। ओके ये हो गया, सारा काम हमारा लेआउट का यहाँ पे हो गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट डॉट साइज। वॉल व्यू व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेंट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट प्रोडक्ट लेआउट कॉमा पेरेंट कॉम फॉर। ओके यहाँ का रिटर्न प्रोडक्ट व्यू होल्डर और व्यू को पास कर देंगे। ओके ये हो गया हमारे अपना काम। अभी क्या करेंगे, वॉल प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट लिस्ट पोजीशन होल्डर डॉट ग्लाइड का यूज कर लेंगे यहाँ पे। ग्लाइड डॉट विथ कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट लोड प्रोडक्ट डॉट इमेज 0। यहाँ नल कॉल करेंगे डॉट प्लेस होल्डर आर डॉट ड्रॉएबल डॉट बॉक्स डॉट इनटू होल्डर डॉट प्रोडक्ट इमेज। ओके अभी क्या करेंगे, होल्डर डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम होल्डर डॉट प्रोडक्ट टाइप डॉट टेक्स्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप होल्डर डॉट प्रोडक्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुपीस का सिंबल कॉपी करके लाएंगे। इस सिंबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारी सारी चीजें। एडाप्टर क्लास में से हो गए। अभी हम फ्रैगमेंट में चलेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे, ऑन व्यू क्रिएटेड फंक्शन को ओवरराइड कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ मैं प्राइवेट लेट इन इट वॉ एड आफ्टर और यहाँ पे एक एरे लिस्ट प्राइवेट लेट इन इट वॉर एरे लिस्ट सॉरी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट एरे लिस्ट टाइप प्रोडक्ट यहीं पे इसके नस यहाँ पे नहीं, यहाँ कर देते हैं ऑन क्रिएट में। एड आफ्टर इक्वल टू प्रोडक्ट एड आफ्टर कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कॉमा प्रोडक्ट लिस्ट और यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू
एरेलिस्ट, एरेलिस्ट, ये हो गया, ये हो गया हमारा नेचुरलाइजेशन का काम। यहाँ आते हैं बाइंडिंग डॉट SWSR लेआउट डॉट सेट ऑन, सेट ऑन रिफ्रेश लिसनर। ओके ये हो गया। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं प्राइवेट फन स्वच प्रोडक्ट्स, क्या करेंगे फायर वेस डॉट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन नेम क्या है प्रोडक्ट पाथ, कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, ऑल पर सेंटर करेंगे, देन डॉक्यूमेंट देन गेट डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर, इफ इट डॉट इज नॉट एम्प्टी, इज एम्प्टी, यहाँ पे काम करते हैं नॉट लगाते हैं। ओके यहाँ पे सिंपली एक स्नैक बार शो करा देते हैं, स्नैक बार नहीं, हम काम करते हैं लेआउट में चलते हैं ये वाले में, एक इसके बदले एक हम क्या करते हैं यहाँ पे रिसाइकलर रिलेटिव लेआउट कर देते हैं। ओके और स्वेप रिफ्रेश लेआउट को इसको नाम दे देते हैं आईडी एक्शन, एक्शन बार। ओके और इसे भी लोग कर देते हैं एक्शन बार, और यहाँ क्या करते हैं एक प्रोग्रेस बार लगाते हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट आईडी दे देंगे प्रोग्रेस बार सेंटर इन पेरेंट प्रो एक टेक्स्ट भी दे देते हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट टेक्स्ट नो प्रोडक्ट फाउंड, यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं टेक्स्ट एरर, इसे क्या करते हैं सेंटर इन पेरेंट ट्रू, विजिबिलिटी इसकी जो है वो सिंपली गॉन करेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। जब भी ये एम्प्टी होगा तो सक्सेस हो जाने पे हम एक काम करेंगे यहाँ एल्स लगाते हैं, जब भी हमारा सक्सेस हो जाएगा तो बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन कर देंगे। ओके और अगर एरर आती है तो यहाँ पे क्या करेंगे टेक्स्ट एरर विजिबिलिटी इज विजुअल, हो गया क्या करेंगे ऑन फेलियर लिसनर में क्या करेंगे कि इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे इसे विजुअल करते हैं, यहाँ पे इसको भी कॉपी करते हैं, इसको भी यहाँ पेस्ट करते हैं, और बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट एरर टेक्स्ट इक्वल टू एरर डॉलर इट डॉट मैसेज, हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे एक फॉर लूप लगाएंगे प्रोडक्ट स्नैप इन इट डॉट डॉक्यूमेंट्स। ओके वॉल प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट्स
स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ ऑल प्लस एंटर करेंगे, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट एड प्रोडक्ट्स, और जैसे ही हमारा डेटा आ जाएगा, एड आफ्टर डॉट नोटिफाई सेट डेटा चेंज, ऑल प्लस एंटर करेंगे, यहाँ भी ऑल प्लस एंटर करेंगे, यहाँ क्या करेंगे फेच प्रोडक्ट कॉल करेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट क्लियर प्रोडक्ट एड आफ्टर डॉट नोटिफाइड सेट डेटा चेंज, एड आफ्टर डॉट सेट नोटिफिकेशन, और यहाँ पे फेच प्रोडक्ट कॉल करेंगे। और एक और हम काम करेंगे यहाँ पे, बाइंडिंग डॉट एस आर डब्ल्यू लेआउट इज रिफ्रेशिंग इक्वल टू फॉल्स, और जब एरर आ जाएगी तो भी हम उसको यहाँ से फॉल्स करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऑन व्यू क्रिएटेड में यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर इक्वल टू ग्रिड लेआउट मैनेजर रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे कॉमा, यहाँ पे टू पास कर देंगे। ओके ये हो गया। अभी क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी जो हमारा प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो चुका, पर ये बोल रहा है प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो अभी हम देखते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई। ओके तो हमने यहाँ पे नॉट लगाया है, ये गलती हो गई। पर अभी भी जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं हुआ, तो हमने अपने एड आफ्टर को अपने रिसाइकलर व्यू में सेट नहीं किया। मेन रिसाइकलर व्यू एड आफ्टर इज इक्वल टू एड आफ्टर, अभी दोबारा से रन करते हैं। अभी देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो चुका है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया है हमारे लेआउट में। मैं यहाँ पे एक और काम करना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट लेआउट के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पर ये यह जो मैंने मार्किंग की हुई है ये सब तीन, ये सॉरी इसे मैं 10 कर देता हूँ, और ये जो इधर मार्जिन दी हुई है इसे 3 dp कर देता हूँ, 3 dp सही है, इसको मैं 3 dp करता हूँ। और फिर फॉल्स
अभी जो हमारा प्रोडक्ट रन हो चुका, अभी आप देख सकते हैं ये जो उसका प्राइस है वो फॉर्मेट में अब आ चुका है। तो आज के दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, और अपनी अगली वीडियो में और भी चीजों को हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस को लाते रहते हैं और आपको उसकी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी।